नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़बरदस्त न्यूज़ बताने वाला हूँ। बिग न्यूज़ मान लीजिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च कर दिया इंडिया में। हम लोगों को पता ही नहीं, और इस कंपनी ने व्हीकल जो है लॉन्च भी कर दिया। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी ये कंपनी, कंपनी का नाम बताऊंगा, कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे बताएंगे। एक भी शेयर मत बेचिएगा आप, ज़बरदस्त माला माल ये शेयर बनाएगा लंबे समय में। आप लोगों को पता है ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी 2-3 सालों से किस में चल रही है, डाउनफॉल में चल रही है। और अब इस इंडस्ट्री में लग रहा है कि धीरे धीरे उछाल आने वाला है और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, अच्छे अच्छे स्टॉक को चूज़ करके अपनी एटलीस्ट वॉच लिस्ट में हमें ले आना चाहिए, जिससे कि जब हमें इन्वेस्ट करना उस टाइम पे इजी रहे कि जल्दी से हम शेयर को देखें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कर दें। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही शेयर के बारे में जिसने कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च किया है, ज़बरदस्त इस कंपनी ने ये काम कर दिया है, वो बताने वाला हूँ मैं। वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। और सबसे पहले एक चीज़, डिस्क्रिप्शन में जो है एंजल ब्रोकिंग, जीरोदा, दोनों के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इन्जॉय करें दोनों की सर्विसेज। सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट बता देता हूँ, दोनों के दोनों जो हैं जीरो ब्रोकरेज लेते हैं अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज किया जाता है दोनों जगह, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो चाहे जीरो दाओ। तो लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इन्जॉय करें दोनों की सर्विसेज़। अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा है महिंद्रा इलेक्ट्रिक, तो कौन सी ये कंपनी है? जी हाँ, ये आप लोगों ने एकदम अंदाज़ा सही लगाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम है। इसने भैया एक थ्री व्हीलर को कर दिया है जिसका नाम इसने रखा है ट्रियो जोर, उसको लॉन्च कर दिया है। प्राइस रेंज वारंटी सारी की सारी न्यूज़ में है, ये हमसे रिलेटेड है नहीं। हमसे रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक। भैया नेक्स्ट जनरेशन स्टॉक हमें पिक करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोगों को पता है इन्हीं का ज़माना आने वाला है, इन्हीं का टाइम आने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली अच्छी अच्छी कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये एक कंपनी है, ये देख लीजिए। और कितना इसका प्राइस रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास इन्होंने बताया कि इसकी रेंज है। इन्होंने लॉन्च कर दिया है इसको महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। ज़बरदस्ती कंपनी कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से इसका ये फोटो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से है ये। तो नज़र रखनी है मार्केट की इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पे, और मार्केट के इस तरह से जो खबरें हैं जिनसे कि स्टॉक स्पेसिफिक को या इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बेनिफिट होगा हमारा। अगर सपोज़ हमने शेयर बाय किया तो उसमें हमें फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसी न्यूज़ वगैरह को हमें हमेशा ट्रैक पे रखना है। तो ये देख लीजिए, लगभग 2,73,000 रुपये इसका एक्स शोरूम बताया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा। तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की ज़रूरत है नहीं, इसकी रेंज वारंटी क्या है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इसको स्टडी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखनी होंगी इसके सारे फंडामेंटल एनालिसिस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम है। एक कमेंट आया था आप लोगों का कि जब भी आप शेयर का नाम बताएं तो थोड़ा सा जूम करके बताएं, इसलिए थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, लार्ज कैप कंपनी है, 76,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अच्छी खासी कंपनी आप लोगों को पता है, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी अपने सेक्टर की। और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 614 रुपये का, आप लोग देख सकते हैं 614 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आज संडे है तो मार्केट क्लोज है, कल मंडे को ओपन ओवर। मैं कहता हूं कि बाय ऑन डिप्स का मेथड आप यहां पे अपना, या बाय ऑन डिप्स क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि भैया ये अपने 52 वीक के हाई के करीब है, 667 का 52 वीक का हाई है, करंट मार्केट प्राइस 614। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, जब भी आपको लगे कि हाँ आपके पास होना चाहिए शेयर, एनालिस्ट से बात करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते रहें और लंबे समय में लंबी रेस का घोड़ा इस शेयर को आप लोग मान सकते हैं। ROCE 8% का, ROE इसका माइनस में है भैया। अगर देखेंगे डेट तो 82,000 करोड़ रुपए का डेट है, कैश इक्विवेलेंट लगभग 8,000 करोड़ रुपए के, और प्रमोटर की होल्डिंग 20% है। प्रमोटर की होल्डिंग भी मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, जहां पे कि
हाई प्रमोटर होल्डिंग तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाई DII और FII जो कि बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा माल इस शेयर में उठा रखा है। उससे पहले हम देखेंगे सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 2 से 3 सालों के। तो 2018 से पहले सेल्स हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन इसको कर देता हूँ। 2018 में 92,000 करोड़ रुपए के सेल्स इस कंपनी की हुई थी। 2019 में इंक्रीज़ होकर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हुई थी सेल्स, लेकिन 2020 में अगर बात करें थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है मार्जिनली 95,000 करोड़ रुपए के आसपास का। एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लंबे समय में देखेंगे शेयर के तो सेल्स इसकी लंबे समय में 2012 से ही अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो इंक्रीज़ हो रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, डिक्रीज़ जो है ऑटो इंडस्ट्री, ये पूरी ऑटो इंडस्ट्री की कहानी है पिछले 2 से 3 सालों के बीच। पिछले 2 से 3 सालों के बीच ये काफ़ी डाउनफॉल इनको देखने के लिए मिल रहा है, डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और यही वो टाइम होता है कि जब हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होके पिक करना चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 से अगर हम लोग देखेंगे तो 13,226 करोड़ रुपये का, 2019 में 14,862 करोड़ का, और 2020 में अगर हम बात करें तो 12,198 करोड़ रुपए की टोटल इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन के आया था। तो ये इसके जो फिगर हैं अच्छे हैं, सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इससे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा खासा है कंपनी का। एक चीज़ कहना चाहूँगा, कंपनी के ऊपर डेट भी अच्छा खासा है भैया। अगर आप लोगों को रिस्क फ्री रहना तो डेट वाली कंपनी में थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे एडवाइस भी दूंगा आप लोगों को कि भैया जिसको डर लगता है इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करने से, वो यहाँ पे दूरी बना के रखे कि हाँ कहीं उसका पैसा डूब ना जाए, क्योंकि डेट अच्छा खासा है कंपनी में। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री आप लोग देखेंगे सभी पर डेट अच्छा खासा होगा, क्योंकि उनको काम चलाना है। पहले जब वो उधारी लेंगे, अपना काम करेंगे, बेचेंगे, तब जाके उनके पास पैसा आता है। ये लंबी प्रोसेस है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम सबसे पहले दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए, प्रमोटर का है, FII, DII, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड अदर्स। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको जूम इन करना चाहूँगा और सितंबर 2020 का डेटा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास खास हिस्सेदारी 20% के करीब की है, लेकिन FII ने ऑलमोस्ट 35% के करीब की शेयर होल्डिंग बना रखी है। और लगातार ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे बाइंग करते चले जा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। देख लीजिए, हर साल इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे उसको इन्होंने इंक्रीज़ किया है। DII के बारे में भी सेम चीज़ है, DII भी अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है साल दर साल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और लेटेस्ट DII जिसमें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आती है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियाँ आती हैं, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर के बैंक आते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। और ऑलमोस्ट 30% की जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, वो DII के पास है। वहीं पे देखेंगे कि सरकार के पास भी लगभग 10% के करीब की हिस्सेदारी, सॉरी सरकार नहीं, पब्लिक के पास लगभग 10% के करीब की हिस्सेदारी यहाँ पे है, सरकार के पास नाममात्र की हिस्सेदारी और अदर शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी का नाम मैंने आप लोगों को बताया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ज़बरदस्त शेयर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया है और लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और अच्छा खासा हाई रिटर्न जो है जनरेट किया जा सकता है। तो